हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, और स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तो आज है गाइस संडे, और संडे को तो बहुत काम होता है, बट फिलहाल तो हम आंगन में थोड़ा सा धूप सेक रहे हैं। और मेरी नज़र गई इन मटरों पे, तो मटरों की फलियां हैं जो थोड़े दानेदार हो गई हैं, और मैं इनको तोड़ रही हूँ क्योंकि चिड़िया भी खा रही हैं गाइस। और मटर ना मैंने कम बोई, मैंने इतनी ही और बोनी थी, मतलब बोई हैं लेकिन वो थोड़ा लेट होंगी, साथ में ही बो देती थी ना तो ठीक था, तो काफ़ी मटर मुझे मिल जाती, बट चलो कोई बात नहीं। और काफ़ी अच्छी फलियां हो रखी, और इतनी मीठी मटर हो रही ना कि मतलब 10 मिनट में इसकी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। आलू भी लेट कर रहा है बॉयल होने में, बहुत ही स्वादिष्ट मटर है। बट चलो अपनी क्यारी का जो भी मिले अच्छा है बना। फोल्ड कर देना है, उसके बाद आपको इसे इसके बीच में स्पेस होना चाहिए जिससे आप फूंक मार पाए। बाद आपको इस हिस्से को चपटा कर देना है और इसे फोल्ड कर देना है। उसके बाद ये जो मैंने अपनी इमेजिन से बनाया उसे आप देख लीजिए, ये देखिए कुछ भी गीला नहीं होगा थूक से, खराब नहीं होगा ना। अच्छा कितना चलेगा भाई साहब ये, 4 बार 5 बार? कितने भी बार चलो, बस संभाल के रखो क्योंकि पेपर। ओहो, और अगर बारिश हो गई भाई साहब क्या? अंदर फूंक मारो, अंदर फूंक मारो बोला घर के अंदर फूंक मारो। दोबारा करके दिखा दो, एक बार फूंक मार के दिखा दो। ये लेकिन भाई साहब इसमें आवाज नहीं आ रही, आवाज कहीं और से निकालनी पड़ेगी ना। यहाँ पर आप कर सकते हो, एक यहाँ पर आप एक सीटी फिट कर दो, उस पर फूंक मार। हाय हाय, क्या टैलेंटेड बॉय है, क्या टैलेंटेड बॉय है मेरा। और सीटी भी बजेगी, मुंह तो धोया नहीं, जैसे मेले में नहीं रहता तोता। पिपरी बोलते हैं इसको, पिपरी पीप। ये देखो अब दही कितने अच्छे से जम रही है, क्योंकि मौसम में काफी बदलाव आ गया है, थोड़ा मौसम गर्म। अपने फेस पे भी अप्लाई करी हुई है दही, हुआ कुछ असर दही लगा के, सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया थोड़ा। पहले कर लेते हैं नाश्ता, और मैंने धोने बहुत सारे कपड़े, बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म है गाइस, और कल हमारे डोयाला में दिन भर लाइट नहीं थी। तो नाश्ते में है मेरे लिए दही, और उसमें कार्टून में बारीक प्याज और पुदीने वाला नमक विद रोटी। तो आज मेरा नाश्ता है बिल्कुल गांव के स्टाइल में। तो दोस्तों करते हैं अपना देसी नाश्ता, और यह है प्याज दही, और इसमें डाला है पुदीने का नमक पीस के, अदरक लहसुन पुदीना, और ये बहुत ही अच्छा होता है खाने में, तो अच्छा होता ही है, और पेट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है गाइस। तो दोस्तों मेरा नाश्ता हो चुका है, और मेरा कटोरा चमक रहा है बिल्कुल टिन, तो मैंने चाट के इसको साफ कर दिया है। और गाइस आप लोग बहुत सारी समस्याओं से ये हमको रिलीफ दिलाता है गाइस, तो जो जैसे खाना डाइजेस्ट ना हो रहा हो, या फिर गाइस आपका कब्ज होता हो, वोमिट जैसा लगता हो, खट्टी डकारें आती हो, अपच होता हो, तो इन सभी चीज़ों से ये हमको रिलीफ दिलाता है। तो गर्मियों में इसे खाना बहुत ही फायदेमंद है। और किचन के हाल देखो गाइस, तो किचन धो लेती हूँ पहले, फिर बाद में मुझे आलस आता है यहाँ आने में। गाइस सुबह से शाम हो गई है, लेकिन आज हवा इतनी भयंकर चल रही है ना कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। कैसे हिल रहे हैं मेरे प्लांट्स, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। मैं अभी उठ के आई बाहर, इतना ठंडा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। मोगली गंदी है, मोगली गंदा है, ये गंदा है, निकलो यहाँ से, फुटो यहाँ से, मेरे पास नहीं आना, ओए मेरे पास नहीं आना, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, चुप जाओ, चुप जाओ। बाय।
आके बंद हो गया जरा हवा। डांस भी कर तुम ब्याह में डांस वेयर भी इस शादी में गए थे। चल गए और खा कर चल गड़ भात ही ज्यादा खाने भूल डांस को नो है सो है को डांस को नो है कुमो सो है। अच्छा और जो मला जना डोल दो मोले जा है और कौन कौन नो छो घर पर होना फरोख है और ये अच्छा बुकिंग मार दिन छो हां अखा कर भी लगा सको हां वो भी है वो कुंगरी चेक के भाई हां कुंगरी बच्चा और ये नहीं ये आई कौन का फुटो ये का सुनो तो भीड़ बनो है बता रही है दीदी की वहाँ शादी में कौन हुई है घगरा पहन के खा कर पहन के इन डांस करना चाहे बोलो आज हवा बंद ही नहीं हो रही है। वहाँ देखो टोई वाले में जब हवा चलती है तो इतनी भयंकर चलती है कि मैं तो पता नहीं बाहर क्यों आई हूँ मैं कहीं उड़ना चाहूँ और इन्होंने पानी लगा रखा है। अरे पानी ठंड हुई है तुम्हारा हम देख पाए भी ना कि अपने तभी लगा नहीं जाटू शादी जाटू लग गया आज हाय हाय तुलन आ गई है शॉपिंग करके। देखो गाइस क्या क्या लाए हैं इतना सा बैग है उसको भी शेयर करके ला रहे हैं। देखो है देखो इनको अच्छा चलो जाके देखते हैं गाइस ये क्या लेके आए हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये गए तो पलटन बाजार जाए अच्छा तुम हैं वो की जाने ठीक जाना अब खास कर जो गड़ो वो की जाने चलो देखते हैं क्या लेके आए। गुमनाम है कोई क्या लाए तो चौमिन मेरे लिए कुछ लाए चौमिन मोमो ये बटर बाइट बटर बाइट लाई हूँ। चलो सेंटर फ्रूट खा लेंगे थैंक यू वेरी वेरी मच। और गाइस जब स्कूल टाइम पे हम खाते थे बटर बाइट और ये है बटर डिलाइट बहुत भूख लगती थी और बेचारे 5 रुपए के लिए हम इतना तरसते थे कि कोई दे दे और हम बटर बाइट खा लें। ये डेली यूज़ के लिए लाइए मतलब नॉर्मली इधर उधर जाने के लिए 100 रुपए के हैं। काश मुझे पहले पता होता ये जा रहे हैं तो मैं भी मंगवाती। और ये देखो इन दोनों की गले की घंटी ये देखो जयमाला है दूल्हा दुल्हन की जयमाला। नीलम लाइट चल गया एक अरे देखो मेरा बड़ा सा फोन तो एक टॉर्च जगा था और ये क्या लेके आई डिओड्रेंट कौन सा है ये कौन तो दी ये 300 का सेट है तू अपने लेके आई मैंने कहा हल्दी गरम रात को पहने ना हाँ सही है। लाइट आती कि नहीं आती गाइस ये देखो दुल्हन की शॉपिंग कभी कभी कोई चीज एकदम से सस्ती मिल जाती है। देखो अरे वाह है ये कुर्ते में ना सस्ता है वो हेयरिंग्स अरे हाय तेरा झुमका देखने वाले देखना दर्शक कितने आ रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच छः ये मेरे लिए सेंटर फ्रूट लेके आ देखो। चलो भाई शॉपिंग हो गई है अब शादी कितने तारीख है 22 तारीख गांव कौन सा तेरा दूल्हा वो ये रोकड़ा यार जाके सर बोल यार रोकड़ा। अरे गाइस इसे भी वो कर दो यार सब्सक्राइब इसे भी खोल दो कर यूट्यूब चैनल। हाँ यार वो ही बना रही है थोड़ा बहुत नहीं गाइस ना भूनी है अब नहीं मैं फेमस नहीं होना चाहती चलो हम निकलते हैं अपने घर को बाय गाइस ये क्या लगा हाथ पर देखो गाइस ऐसा होता है लिया इसने कितना भद लग रहा है और मेरे को पूछ रहे थे कि इसके लिए मतलब कि क्या पसंद करो मतलब मेरे को बोल रहे थे पसंद करने के लिए मेरे का शादी इसके मेरी नहीं मेरे हाथ देखो चुड़ैल नाम लिखते मेरे के ये भगवान क्या मैं भी जवान हूँ क्यों भगवान। अब एक दो साल बाद इसकी शादी की पार्टी भी खाएंगे आ जा रहा है गाइस चल ठीक है एक मास में अरे खराब हो गया तुम्हारा
हल्लू गाइस, आलू लेके जाना, तुम लेके जा सकते हो, हमारे राट के साइड बोलते हैं गाइस हल्लू नॉट आलू। चलो ठीक है, बाय बाय। समोसे में आलू, पराठे में आलू, सब्जी में आलू और अब मूवीज में भी आलू। तो आलू तो हमारा फेवरेट हो गया है, तो मूवीज भी हम आलू की देख रहे हैं। जब देखो अल्लू अर्जुन, और साउथ की मूवीज हमको काफी पसंद है, और एक्टर और एक्ट्रेसेस भी सब साउथ की पसंद है। सो गाइस, खाना पीना हम खा चुके हैं और टाइम हो रहा है 9:30 बज गए हैं, और मैं इस सोच में डूबी हूँ कि सुबह क्या बच्चों को दूँ। तो फटाफट से जो भी दूंगी, अभी सब्जी निकालती हूँ, काट के रख देनी है, सुबह फटाफट से बन जाती है, काटने का झंझट नहीं होता गाइस। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना, और व्यू करते हैं तो लाइक ज़रूर दबाना गाइस, आप लाइक नहीं करते हैं, देख के भाग जाते हैं। और गाइस आज मैंने पहनी है हरी हरी चूड़ी, तो मैं काफ़ी टाइम से लाल चूड़ियाँ पहनी थी, तो आज मैंने डाली थोड़ी सी हरी चूड़ियाँ। और गाइस आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और इसी के साथ आपको मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भोलेनाथ।